Hey everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. और आज इस वीडियो में हम इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को थ्रू एडवांस्ड एसे. काफ़ी अच्छे लेवल का ये एसे है. अगर आप राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं किसी भी रिटन एग्जाम की, तो आप इस एसे को जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा. और राइटिंग का पैटर्न देखिए किस तरह से लिखा हुआ है. तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो टॉपिक है द एडवेंटेजेस, जो फायदे हैं ब्रॉट, जो लाए गए हैं किसके द्वारा, By the spread of English, English के spread के द्वारा. तो लेकिन English क्या, as a global language के तौर पर. तो इसका मतलब हुआ कि जो advantages हैं, जो English का जो फैलाव है as a global language, उसने जो फायदे हमें दिए हैं, वो फायदे will outweigh, वो अधिक होंगे the disadvantages से. तो in short इसका मतलब है कि जो English का English spread हो रही है और उससे जो फायदे आए हैं, तो क्या वो डिसएडवांटेजेस से ज्यादा होंगे. टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, डू यू अग्री, आप सहमत हैं और डिसअग्री, या फिर आप असहमत हैं विद दिस व्यू, इस विचार से. तो अब आपको ये एक एसे दे रखा है जिस पर आपको एक एसे लिखना है इस टॉपिक के ऊपर. तो अब आप सोचिए, अगर आप अग्री करते हैं कि इंग्लिश के एज अ ग्लोबल लैंग्वेज फायदे हैं, तो आप फायदों के बारे में लिखें. अगर आप डिसअग्री हैं कि ऐसा नहीं है, डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, तो आप उसका अपना व्यू पॉइंट रखें. तो ये ऐसे आपको लिखना है. तो यहाँ पे एक लिखा हुआ ऐसे मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, इससे आपको आइडियाज जनरेट करने में हेल्प मिलेगी. तो ये टॉपिक है, ऐसे है, मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं हैव पुट फॉर्थ, इन्होंने सामने रखा है. यहाँ पे वोकैबुलरी अच्छी है, इसको जरा ध्यान रखिएगा. पुट फर्थ मतलब होता है किसी के सामने रखना. तो मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस ने सामने रखा है देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को, टू बी लेबल्ड, कि उसको एक पदवी दी जाए, मतलब उसको लेबल किया जाए, उसको मार्क किया जाए, उस पर विचार किया जाए. जैसे इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज का लेबल दिया गया है, उसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है कि उनकी भाषा को लेबल किया जाए, तो वो सामने रखा है. तो लेबल किसके तौर पे किया जाए, एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर. तो यहां पर हमारा एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट यूज हुआ, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये लेसन हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं. और ये सेंटेंस जो है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया. तो बहुत सारी भाषाओं ने अपना इंटरेस्ट रखा हुआ है कि उसको ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर लेबल किया जाए. हाउएवर, फिर भी, आई बिलीव, मेरा विश्वास है या फिर मैं मानता हूँ, दैट की द इंक्रीज्ड यूज, कह रहे ये जो बढ़ा हुआ यूज है किसका, ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज का. तो मेरा ये मानना है कि जो ये बढ़ा हुआ यूज है, मतलब एक्सटेंडेड यूज है इंग्लिश का एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, विल हैव मोर प्रोज, तो इसके ज़्यादा फायदे होंगे. प्रोज का मतलब होता है फायदे. और यहाँ पे हैव जो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. जैसे हैव एन इफेक्ट, प्रभाव होना, उसी तरह से हैव मोर प्रोज मतलब ज़्यादा फायदे होना. तो इसके ज़्यादा फायदे होंगे देन बजाय की कॉन्स, नुकसान के. यहाँ पे अगेन दो वर्ड आप याद करें, प्रोज मतलब होते हैं फायदे, मतलब बेनिफिट्स, एडवांटेजेस. कॉन्स मतलब होते हैं डिसएडवांटेजेस, राइट. प्रोज एंड कॉन्स. आगे लिखा है, अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं सराउंड माय ओपिनियन, मतलब जो मेरी राय है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया है, इसके ज़्यादा फायदे हैं. तो अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसी आर्ग्यूमेंट्स, मतलब पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं सराउंड, जो सपोर्ट करती है मेरे ओपिनियन को. तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस टॉपिक में अग्री कर रहा हूँ कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ कि इसके फायदे हैं. तो ये हो गया हमारा पैराफ्रेजिंग, जो पहला टॉपिक, पहला पैराग्राफ होता है, इसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, जिसमें हम टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट देते हैं. तो इसके बाद अब देखिए, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से. अब मैं ये बताऊंगा कि क्यों मैं इसको अग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से. टू बिगिन विद,
तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे करा चुका हूँ, उनमें मैंने कितनी बार स्टार्टिंग में कराया, टू बिगिन विद, टू एम्बार्क ऑन, तो ये सारे स्टार्टर्स होते हैं किसी भी ऐसे को स्टार्ट करते टाइम। और ये इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देखिएगा, 8 Hacks to Return Communication, तो उसमें पूरा ऐसे कैसे लिखते हैं, कौन कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, तो वो आधे घंटे की वीडियो है, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लीजिएगा। और वो वीडियो आपको मिलेगी मेरे कोर्स के अंदर, और उसके लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं कोर्स में, तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और ये 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799। 1 ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपको एक साल ही देना है, एक साल मेरी तरफ से आपको मिलेगा। अब चाहे आप उसको 2 महीने में फिनिश करो, 3 महीने में, 6 महीने में, या साल लगाएं, इट इज़ अप टू यू, राइट। लेकिन पूरी इंग्लिश आपको आ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आगे पढ़ते हैं, टू बिगिन विद, शुरू करते हैं। इंग्लिश इज ऑलरेडी द लिंगुआ फ्रेंका। इंग्लिश ऑलरेडी क्या है? एक लिंगुआ फ्रेंका है। अभी लिंगुआ फ्रेंका क्या चीज है? आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये नया वर्ड होगा। लिंगुआ फ्रेंका बोलते हैं एक सार्वजनिक भाषा को। जैसे मैं इंडिया से हूं तो हिंदी चलती है, कोई चाइना से होगा तो वहां चाइनीज चलेगी, मैं उसकी भाषा नहीं समझ सकता, वो मेरी भाषा नहीं समझ सकता है। तो हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जो कॉमन भाषा हो, जो ज्यादा यूज होती हो, तो उस भाषा को बोलेंगे लिंगुआ फ्रेंका। तो वही कह रहे हैं, इंग्लिश पहले ही क्या है? एक लिंगुआ फ्रेंका है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे पार्ट्स में, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज है। इट इज ऑलरेडी स्पोकन, ये पहले से ही बोली जाती है। तो इट इज स्पोकन, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का, और ऑलरेडी एक एडवर्ब है, ऊपर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस इज अगेन एडवर्ब, और लिंगुआ फ्रेंका यहाँ पर है एक नाउन। तो इट इज ऑलरेडी स्पोकन, ये ऑलरेडी बोली जाती है इन 86 कंट्रीज, इतनी कंट्रीज में। अब देखिए, जब आप ऐसे लिखते हैं तो जिस चीज के बारे में आपने एक बार बात कर दी, तो आपको दोबारा से उसको इंग्लिश इंग्लिश हर जगह नहीं लिखना, इट आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको प्रोनाउन कहा जाता है। आगे है, सो इसीलिए स्प्रेडिंग इट, इसीलिए इसको फैलाना एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर, वुड बी एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्टेड होगा बाय सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा, हु जो ऑलरेडी नो, जो पहले से ही जानते हैं दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को। तो कह रहे हैं कि इसीलिए जो स्प्रेड करना है इसको, इस लैंग्वेज को स्प्रेड करना, वुड बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेड होगा बहुत सारे लोगों के द्वारा जो ऑलरेडी इस भाषा को जानते हैं। यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और वुड क्यों यूज किया है? क्योंकि हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, सो वुड बी, और ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है सेकेंडली, तो हमने एक रीजन दे दिया, देखिए टू बिगिन विद किया, तो हमने एक रीजन दे दिया कि ये लिंगुआ फ्रेंका है, और उसको एक रीजन दे दिया कि क्यों है, ठीक। उसके बाद अब हम दे रहे हैं सेकेंडली, दूसरा रीजन कि मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश इज ईजियर टू लर्न देन, इंग्लिश आसान है टू लर्न, सीखने में, देन बजाय की एनी अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज की तुलना में। यहाँ पर ईजी की जगह ईजियर का यूज हुआ है, बिकॉज दो का कंपेरिजन है, दिस इज कंपेरेटिव डिग्री। तो इंग्लिश इज ईजियर टू लर्न देन एनी अदर लैंग्वेज। अब जैसे ये एक इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए एक एग्जाम्पल, अनलाइक चाइनीज मतलब चाइनीज की तरह नहीं, लाइक चाइनीज होगा चाइनीज की तरह, और अनलाइक चाइनीज मतलब चाइनीज की तरह नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, इंग्लिश हैज ओनली 26 लेटर्स, इंग्लिश में केवल 26 अक्षर हैं, विच आर कंबाइंड, जिनको जोड़ा जाता है टू मेक वर्ड्स, शब्द बनाने के लिए, एंड और सेंटेंसेस और वाक्य, ठीक है। तो आई होप समझ में आया, यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच आर कंबाइंड, जिनको कंबाइन किया जाता है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे लिखना है तो आप एक पॉइंट दें, उस पॉइंट का रीजन दें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे हमने कहा ये लिंगुआ फ्रेंका है, क्यों है? क्योंकि 86 कंट्रीज में ऑलरेडी स्पोकन किया जाता है, और बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं जो इस लैंग्वेज को जानते हैं, तो हमने रीजन दे दिया।
ऐसे सेकेंडली फिर एक स्टेटमेंट दी कि इंग्लिश बाकी लैंग्वेज की तुलना में आसान है सीखना। फिर हमने एक रीज़न दे दिया कि जैसे चाइनीज़ की तरह नहीं है ये, इंग्लिश में 26 ही लेटर हैं और इसके कॉम्बिनेशन से ही शब्द और वाक्य बनते हैं, राइट। तो आगे लिखा है, इट इज़ ईजी इवन फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो ये यहाँ तक कि इट इज़ ईजी, ये आसान है इवन यहाँ तक कि फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स, नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए भी। नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं? जिनकी ये खुद की भाषा है उनको बोलेंगे नेटिव स्पीकर्स। जैसे इंडिया में हिंदी हम बोलते हैं तो हम क्या हुए? हिंदी बोलने वाले नेटिव स्पीकर्स। और इंग्लिश हमारे लिए नेटिव लैंग्वेज नहीं हुई तो ऑब्वियसली हमारे लिए नॉन नेटिव लैंग्वेज हुई। तो वही कह रहे हैं, इट इज़ ईजी, आसान है फॉर इवन फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स, हम जैसे नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए भी आसान है ये, टू रीड, पढ़ना, टू रीड और रिटन या लिखना इंग्लिश, मतलब टू रीड रिटन इंग्लिश, लिखी हुई इंग्लिश को, यहाँ पर रिटन एक एडजेक्टिव है, तो लिखी हुई इंग्लिश को पढ़ना नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए भी आसान है। इन एडिशन, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हम दे रहे हैं, इन एडिशन अ नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, कह रहे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैव बीन बोरोड, इनको लिया गया है फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेजेस, बहुत सारी दूसरी भाषाओं से। तो ये जो है हमारा अ नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ये सारा ऑब्जेक्ट है, हैव बीन यहाँ पर यूज हुआ है, दिस इज हैव बीन के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो बहुत सारे वर्ड्स को लिया गया है, बोरो मतलब उधार लेना, लिया गया है दूसरी भाषाओं से, एंड और मैनी हैव बीन अडोप्टेड, और बहुत सारे वर्ड अडोप्ट किए गए हैं बाय मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं के द्वारा। जैसे इंग्लिश वालों ने हिंदी से कुछ वर्ड ले लिए या कुछ दूसरी भाषाओं से कुछ वर्ड ले लिए, इसी तरह से दूसरी भाषाओं वालों ने इंग्लिश के कुछ वर्ड ले लिए। तो जब हमने किसी के वर्ड लिए तो हमने यूज़ करा कि हमने बोरो किए, और जब किसी और ने हमारे लिए तो हम कहेंगे उन्होंने बोरो किए या फिर उन्होंने अडोप्ट करे, यानी कि अपनाए। तो अडोप्ट मतलब हो गया अपनाना, तो आप इसको याद कर लें, अडोप्ट इज अपनाना, बोरो मतलब उधार लेना, नॉन नेटिव स्पीकर्स जिनकी ये खुद की मूल भाषा नहीं है उनको बोलते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है इन एडिशन बहुत सारे वर्ड बोरो किए गए हैं दूसरी भाषाओं से और बहुत सारे अपनाए गए हैं दूसरी भाषाओं के द्वारा, एंड आर यूज्ड, और इनको यूज किया जाता है, एंड लगाकर आर यूज्ड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, यूज किया जाता है एज पार्ट ऑफ देयर ओन लैंग्वेजेस, उनकी खुद की भाषाओं के पार्ट में, मतलब उनकी भाषा का जो छोटा छोटा पार्ट है उनके रूप में इनको यूज किया जाता है वहां पर। देयरफॉर इसीलिए मैनी पीपल, बहुत सारे लोग इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में ऑलरेडी नो, पहले से ही जानते हैं सम ऑफ द इंग्लिश, कुछ कुछ इंग्लिश। तो कह रहे हैं इसीलिए बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में पहले से ही जानते हैं कुछ कुछ इंग्लिश। सो इसीलिए इट कुड बी द ईजीएस्ट लैंग्वेज, इसीलिए ये सबसे आसान भाषा हो सकती है। ईजीएस्ट मतलब सबसे आसान, और कुड का यूज है ये हमारा, ये संभावना बताता है, मोर पॉसिबिलिटी। तो ये सबसे आसान भाषा हो सकती है टू लर्न, सीखने के लिए। तो आई होप ये पैराग्राफ समझ में आया। तो मैंने इसमें क्या किया, तीन पॉइंट्स सपोर्टिंग पॉइंट्स दे दिए कि मैं क्यों बोलता हूँ कि इंग्लिश के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस से। तो ये पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। तो आगे देखिए और आगे पढ़ते हैं, तो आगे लिखा है फर्दर मोर, और आगे मतलब और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और ज़्यादा पॉइंट दूंगा। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल बिजनेस, ये ग्लोबल बिजनेस की एक भाषा है, एंड ऑल्सो जॉब्स, और जॉब्स की भी, जॉब्स में भी ये चलती है भाषा, ग्लोबल बिजनेस में भी ये चलती है। आगे लिखा है इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की भी भाषा है। तो टेक्नोलॉजी इंग्लिश में ही है, मैक्सिमम हिंदी में चलाओगे तो बहुत अजीब सी लगेगी, सो यू कैन से इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यू कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट, आप इंटरनेट का बेस्ट यूज़ निकाल सकते हो इफ़ अगर यू नो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते हो। ऑब्वियसली जब आपको इंग्लिश आएगी तो ही आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या क्या रिसर्च करना है, कैसे सर्च करना है, कैसे इंटरनेट का यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे।
सो इट इज रिटन यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट इफ यू नो इंग्लिश एज क्योंकि मेनी वेबसाइट्स आर रिटन क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स लिखी हुई हैं इन इंग्लिश इंग्लिश में. यहाँ पे रिटन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रिटन मतलब लिखी हुई. या फिर इसको अगर आप पैसिव मानना चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि बहुत सारी भाषा वेबसाइट्स आर रिटन लिखी जाती हैं इन इंग्लिश इंग्लिश में. आगे लिखा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश. तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था फर्दर मोर के बाद कि ये बिजनेस और जॉब की लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी की भी लैंग्वेज है क्योंकि अच्छा आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये भाषा आती है. तो इसके बाद आगे लिखा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की नॉलेज मेक्स ट्रैवल ईजियर. तो ट्रैवल को भी ईजियर बनाती है. तो ये अगला पॉइंट आ गया मेक्स ट्रैवल ईजियर. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं इंग्लिश आती होगी तो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज और लैंग्वा फ्रेंका. आगे है देयर वुड ऑल्सो बी नो नीड, और कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत भी नहीं होगी ऑफ एक्सपेंसिव ट्रांसलेशंस, मतलब महंगी महंगी ट्रांसलेशंस की. फाइनली अंततः मतलब आखिरकार लास्ट पॉइंट दे रहे हैं फाइनली इंग्लिश विल बी द मोस्ट प्रोमिसिंग लैंग्वेज. तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा भरोसेमंद प्रोमिसिंग लैंग्वेज होगी सिंस क्योंकि इंग्लिश इज़ यूज, क्योंकि इंग्लिश को यूज़ किया जाता है इन मैनी फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स में, सच एज जैसे कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, शायद अर्थशास्त्र ही बोलते हैं इसको, पॉलिटिक्स, राजनीति, राजनीति विज्ञान एंड एकेडमिक्स, और जो हम जो पढ़ाई करते हैं उसको एकेडमिक्स बोलते हैं. तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है. अब इसको एक बार रूल देखिए ग्रामर का, कह रहे हैं सिंस क्योंकि इंग्लिश को यूज़ किया जाता है बहुत सारी फील्ड्स में जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एकेडमिक्स में, तो इसीलिए क्या होगा मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विल स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश को पढ़ेंगे इन द फ्यूचर, भविष्य में. इफ़ यू हैव, अगर आपके पास है, इफ़ यू हैव एन इंटरनेशनल मीटिंग, अगर आपकी एक इंटरनेशनल मीटिंग है इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, इट विल प्रोबेबली बी डन, वो शायद की जाएगी, प्रोबेबली शायद, इट विल बी डन, वो की जाएगी प्रोबेबली शायद इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर. और ये भी ऑब्वियसली फैक्ट है कि इफ़ यू हैव एनी इंटरनेशनल मीटिंग, कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग हो किसी भी फील्ड में, वो शायद इंग्लिश में ही की जाएगी. दिस इज कॉम्बिनेशन, फ्यूचर कॉम्बिनेशन. द डिमांड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की डिमांड विल नेवर स्टॉप, वो कभी भी नहीं रुकेगी. तो ये हो गए हमारे सपोर्टिंग पॉइंट्स. अब हम उनकी बात कर लेते हैं जब आप अपना एसे लिखते हैं कि आप अग्री क्यों करते हैं, और फिर डिसअग्री जो लोग कर रहे हैं उनके भी दो तीन पॉइंट आप इसमें एसे में दे सकते हैं. तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ यानी कि अब डिसअग्री क्यों करते हैं लोग. ऑन दी अदर हैंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का फैलाव है एज अ ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर, कुड बी अपोज्ड, इसका विरोध किया जा सकता है बाय दोज, उनके द्वारा, हु वांट, जो चाहते हैं देयर लैंग्वेज टू बी द ग्लोबल लैंग्वेज. तो पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि ये जो इंग्लिश का स्प्रेड होना है ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर, कुड बी अपोज्ड, इसका विरोध किया जा सकता है उनके द्वारा, हु वांट, जो चाहते हैं कि उनकी भाषा टू बी द ग्लोबल लैंग्वेज, कि वो ग्लोबल लैंग्वेज बने. अगर हिंदी वाला कोई है वो चाह रहा है कि उनकी भाषा ग्लोबल बने तो इंग्लिश का विरोध करेंगे, राइट. चाइनीज वाले इंग्लिश का विरोध करेंगे अगर वो चाहते हैं कि इंग्लिश की जगह चाइनीज ग्लोबल लैंग्वेज हो, राइट. तो पहला पॉइंट टोटली एक जेन्युइन पॉइंट है. और ये हमारा कुड बी के बाद ये अपोज्ड पैसिव वॉइस है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए. और यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो मैंने पॉइंट दिया, स्टेटमेंट दी, अब हम इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं कि ऐसा क्यों. जैसे कि चाइनीज पीपल माइट वॉन्ट, वे चाह सकते हैं, माइट इज कम संभावना. तो चाइनीज पीपल चाह सकते हैं देयर लैंग्वेज टू बी द ग्लोबल लैंग्वेज, कि उनकी भाषा एक ग्लोबल लैंग्वेज बने. एस्परांटो एक कोई भाषा, ये भी एस्परांटो इज अनदर लैंग्वेज, एस्परांटो एक दूसरी भाषा है. हुज सपोर्टर्स, जिसके सपोर्टर्स, अब यहाँ पे हुज अगेन रिलेटिव प्रोनाउन. तो एस्परांटो एक दूसरी भाषा है जिसके सपोर्टर्स वॉन्ट इट टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसके सपोर्टर चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाए. दे से दैट, वे कहते हैं कि इट इज़ इन्वेंटेड लैंग्वेज, कि ये एक इन्वेंटेड लैंग्वेज है, मतलब
पुराने कल्चर के बेस पे नहीं है, बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर एक भाषा बनाई गई है जिसको एस्परांटो बोलते हैं। तो दे सेवे कहते हैं कि इट इज एन इन्वेंटेड लैंग्वेज एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी कल्चर, और ये किसी भी कल्चर पर बेस्ड नहीं है। हाउएवर फिर भी डिस्पाइट ऑल दीज क्लेम्स, कह रहे हैं इन दावों के बावजूद भी, क्लेम्स मतलब दावे, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, यहाँ पे डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है, हाउएवर एक कंजंक्शन है, हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगता, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कोर्स से आप मेरा सीख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। कह रहे हैं फिर भी डिस्पाइट ऑल दीज क्लेम्स, कह रहे इन सब क्लेम्स के बावजूद भी, कौन से क्लेम्स, मेड बाय कंटेंडर्स, जो कॉम्पिटिटर्स हैं। कंटेंडर्स कौन होते हैं, जो जिनको आप बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स या कंटेस्टेंट्स, या जो ओपोजिट हमारे खड़े होते हैं उनको बोलते हैं कंटेंडर्स। तो जो दावे उनके द्वारा किए जाते हैं उनके बावजूद भी, ऑफ अदर लैंग्वेजेस, दूसरी भाषाओं के, तो इसका एक बार दोबारा मतलब बताता हूँ। कह रहे फिर भी जो जितने भी दावे किए जाते हैं दूसरी भाषाओं के कंटेंडर्स के द्वारा, कह रहे इसके बावजूद भी, आई स्टिल बिलीव, मैं अभी भी ये विश्वास करता हूँ दैट की द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का जो स्प्रेड है एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज मोर बेनिफिशियल, इसका ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये हमने आई थिंक ऑपोजिट जो डिसअग्री करते हैं उनका पॉइंट व्यू पॉइंट रख कर हमने हाउएवर लगाकर अपनी स्टेटमेंट दे दी कि इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इसके बेनिफिट ही ज़्यादा है। और उसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन, टू कंक्लूड मतलब हम कंक्लूजन, इसकी जगह बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, 7-8 चीज़ें मैंने बताई थी, तो देख लीजिएगा कोर्स के अंदर उस वीडियो को। तो टू कंक्लूड हम इसका मतलब सम अप करते हैं, देर आर मोर एडवांटेजेस, कि ज़्यादा एडवांटेजेस हैं देन डिसएडवांटेजेस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो हमने बोल दिया ज़्यादा एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस की बजाय इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर। इट्स पॉपुलैरिटी, इसकी जो लोकप्रियता है एंड डिमांड, और जो इसकी मांग है, विल इंक्रीज, वो बढ़ेगी मोर एंड मोर, और भी ज़्यादा, इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, लगभग जीवन के हर क्षेत्र में, इन द फ्यूचर, भविष्य में। तो यहाँ पे हमने एक फ्रेज यूज करा, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में। पॉपुलैरिटी मतलब होता है लोकप्रियता, डिमांड मतलब मांग। तो इसी के साथ हमने ऐसे को पूरा रीड किया, आई होप आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के एडवांटेजेस और भी हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक एक पॉइंट या दो दो पॉइंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स, जहाँ पे आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं एट अ नॉमिनल फी ऑफ जस्ट ₹799। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या प्ले स्टोर से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरी बुक बाय करनी अलग से तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस बुक में भी कंप्लीट लेसन आपको गिवन है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। तो अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे ताकि इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू।